मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन इज बेसिकली गुड इन ल्यू ऑफ द अदर अगर हम अब देखें तो कंज्यूमर ने अपने कंबिनेशन और दरमियान वेन एवर ही इज फेसिंग ट्रेड ऑफ तो एक कमोडिटी का कुछ यूनिट ज्यादा लेने के लिए दूसरी कमोडिटी के वो कितने यूनिट्स लीव करने पर या सेक्रीफाइस करने पर राजी होगा तो दिस इज ट्रेड ऑफ जो है ये उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन कहलाएगा अब अगर हमने ये प्रीवियसली तय किया था कि कंज्यूमर जो है वो वेरियस कम्बिनेशनस के दौरान कुछ कम्बिनेशन वो सिलेक्ट होंगे उसके जिनमें वो इनडिफरेंट है तो चूंकि वो इनडिफरेंट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं ऑन वन कर्व मीन्स द इन डिफरेंस कव और उसमें फिर अब हम ट्रेड ऑफ़ करवाते हैं कि किस में वो किसी एक मंडल को कम करना चाहता है और किसी दूसरे को बट कीपिंग इन व्यू दफेक्ट दैट कंज्यूमर विल भी ऑन द सेम लेवल ऑफ इन डिफरेंस कव मीन्स उसका यूटिलिटी लेवल या उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इस ट्रेड ऑफ़ में अफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर वो किसी एक कमोडिटी की कोई एक अमाउंट बढ़ा रहा है और दूसरी की उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है तो ये सेक्रीफाइस में जो एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है वो कॉन्स्टेंट फैक्टर होगा कंज्यूमर की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सो कंज्यूमर विल बी इक्वली सैटिस्फाइड ओनली एंड ओनली ऑन दोज पॉइंट्स जिनके दरमियान में वो इनडिफरेंट है सो द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इट विल बी द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कंज्यूमर और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इट मयर्स द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट गुड एक्स वन टू एक्स टू एंड इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द टू गुड्स अब अगर हम इसमें देखें तो हम इसको मैथमेटिकली अगर हम देखना चाहें तो अगर हम कहते हैं कि गुड एक्स वन में अगर वो एक यूनिट भी कोई चीज इंक्रीज करता है तो हम उस चीज़ को इनक्रीज को हम चेंज इन एक्स वन से एक्सप्लेन करते हैं कि ये उससे हमने गुड एक्स वन जो है अगर डिक्रीज हुई है तो चेंज इन एक्स वन है जो उससे हमने ले ली है अब चूंकि एक्स वन कंज्यूमर से हम ले रहे हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन और उसकी यूटिलिटी को कांस्टेंट रखने के लिए हमें उसको एक्स टू की कोई ना कोई अमाउंट देनी पड़ेगी तो वो अमाउंट जो चेंज हो रही है प्रीवियस के मुकाबले में तो वो चेंज के फॉर्म में अगर हम दें तो वो चेंज इन एक्स टू कहलाएगी ताकि और ये अमाउंट कितनी होगी एट लीस्ट उतनी होगी कि वो कंज्यूमर को दोबारा इन कर्व के ऊपर रखे अब अगर हम देखें तो दोनों चेंजेस एट लीस्ट इन दैट फॉर्म होंगी कि वो एक्स वन और एक्स टू की सब्सटीट्यूशन को इस तरीके से एडजस्ट करें के कंज्यूमर की वेलबींग well और उसकी सेटिस्फैक्शन रिमेन सेम रहे अब यही जो चेंज इन कमोडिटी एक्स टू एंड चेंज इन कमोडिटी एक्स वन की जो रेशो है बेसिकली दिस इज द रेशो नाउ द रेशो ऑफ दिज टू चेंजेस दैट इज मईड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन एक्स टू डिवाइड बाई चेंज इन एक्स वन इज़ बेसिकली द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सिट्यूट गुड टू फॉर गुड एक्स वन अब अगर हम ये देखें कि ये जो कमोडिटी की जो चेंज है ये बहुत बड़ी चेंज के मुकाबले में अगर एक बहुत माइन्यूट थी या वेरी स्मॉल लेवल की चेंज हो तो देन वॉट इट कम्स को अब अगर हम देखें कि ये बेसिकली मैयर कर रही थी चेंज को और अगर ये चेंज वेरी स्मॉल हो जाए तो हम कहते हैं कि दिस चेंज अप्रोचिस टू जीरो और दिस चेंज इज इक्वल टू अ लिमिट तो रेट जो है वो कंज्यूमर का अगर हम उस पर हम डिसाइड करके अप्रोचिज टू जीरो पे आए तो इट गिवस दैट नाउ हेयर वी हैव टेकन दिस चेंज बाई दिस चेंज के इस प्वाइंट और इस पॉइंट में चूंकि कंज्यूमर दोनों पॉइंट्स पर इनडिफरेंट है तो इस पॉइंट से इधर मूव होते हुए या उधर से बैकवर्ड इधर मूव होते हुए अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान में रेट ऑफ चेंज का जो हमारे पास एक फैक्टर है दैट इज़ चेंज इन एक्स टू बाई चेंज इन एक्स वन जो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन है लेकिन अब इसी फॉर्म में अगर हम देखें और यही वाली जो चेंज है ये हमारी इस साइज़ के मुकाबले में अगर हम कहें कि ये बहुत माइन्यूट सी हो जाए तो वी कैन से कि दिस चेंज इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक इन डिफरेंस कप और यहाँ पे भी हो सकती है और ये लाइक like दिस तो वी कैन से कि सेयर इट इज इक्वल लिमिट ऑफ दिस चेंज एंड दिस लिमिट इज बेसिकली अप्रोच टू जीरो तो अगर हम यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि हम इसको अलजबर भी सॉल्व कर सकते हैं अब स्लोप ऑफ एक्सचेंज लाइन अगर हम देखें तो इन डिफरेंस की स्लोप को हमने कहा था कि एक्चुअली इट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन और इन अदर वर्ड्स स्लोप ऑफ एक्सचेंज लाइन सो एक्सचेंज लाइन अगर हम कहें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हुए कंज्यूमर जो ट्रेड ऑफ ऑफ वेरियस कमोडिटीज इंटरनली बंडल्स में कर रहा है वो इसकी एक्सचेंज लाइन बनती है और उसी एक्सचेंज लाइन की जो स्लोप है वो उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन कहलाएगा अब अगर हम कहें कि कंज्यूमर जो है अपनी इन एक्सचेंजेस को थ्रू द वेल बिहेव्ड वेल एक्सप्लेन प्रेफरेंस लाइन के जरिए एक्सप्लेन कर रहा हो जिसमें वो एक बंडल एक्स वन एक्स टू का परचेज यूटिलाइज कर रहा है और अगर हम कहें वो उसके बाद एक और बंडल दूसरा ले जिसकी कमोडिटी वो डिफरेंट हो लेकिन एक्स वन और एक्स टू ही की कमोडिटी हो लेकिन क्वांटिटीज डिफरेंट हो तो उस एक बंडल से दूसरे बंडल की एक्सचेंज के दौरान में जो चीज़ उसको गिव गिवअप करनी पड़े और कौन सी चीज़ उसको लेनी पड़े ये जो एक एक्सचेंज होगा ये उसका रेट ऑफ एक्सचेंज होगा सो दिस रेट ऑफ एक्सचेंज विल गिव एक्चुअली द स्लोप ऑफ इंडिफ्रेंस कर्व और द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन टू द कंज्यूमर जोमेट्रिकली जिस हमने कहा था अगर हम इसको एक लिमिट के जरिए एक्सप्लेन करें तो ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हुआ था एक्सचेंज लाइन की स्लोप अगर हम उसको लिमिट की फॉर्म में लेके जाए और हम उसको एक्सप्लेन करें तो वी कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस डायाग्राम दैट देर कैन बी द वेरियस बंडल्स एंड अलॉन्ग दैट वेरियस बंडल्स अब वो इस इनडिफरेंस कव के अगर ऊपर है तो ये उसके बहुत सारे ऑपसेट्स बन सकते हैं अगर वो इस इनडिफरेंस कर्व के ऊपर है तो ये भी पॉसिबल है कि उसके बने लेकिन अगर हम जस्ट उसको उसकी एक्सचेंज के जरिए हम कहें तो वो जो एक्सचेंज लाइन है वो उसकी क्रॉस करती है वेरियस इंडिफरेंस कर्व जैसे हमने इसको ये शो किया है अब ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये उसके लिए पॉसिबल है वो यहां पे हो या यहाँ हो लेकिन स्लोप ऑफ एक्सचेंज लाइन जो है ये इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होगी मीन ये इस एक पॉइंट के ऊपर हमने मेजर करनी होगी या हमने सिर्फ इस एक पॉइंट पर मेजर करनी होगी सो इफ देयर इज टू बी नो मूवमेंट फ्रॉम एक्स वन एक्स टू द एक्सचेंज लाइन मस्ट बी टेंज टू दिन कव अब अगर हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इस चेंज को वेरी माइन्यूट लेवल पे कैलकुलेट करना है सो ऑन द सेम इन डिफरेंस कव हेयर इफ ड्यू टू द लिमिट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस सो वी कैन से मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन इट विल भी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द एक्सचेंज लाइन And that gives the rate of substitution of x2 with respect to x1.